हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने के एक छोटे से क्लास में आपका स्वागत है। और आज ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, यहाँ पर देख सकते हैं ये रोल नंबर आपको दिख रहा होगा। अब ये रोल नंबर काफी अनअरेंज्ड लिखा हुआ है, जहां पे 1 या 2 होना चाहिए वहां पर वो नहीं दिख रहा है। पहले 7 दिख रहा है, फिर 5 दिख रहा है, फिर 8 दिख रहा है, इस तरीके से ये दिख रहा है। तो इसके लिए आप शॉर्टिंग का यूज कर सकते हैं। शॉर्टिंग कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको शॉर्टिंग मिल जाता है, यहां से जाकर के इसको A टू Z के क्रम में आप चाहे तो शॉर्ट कर सकते हैं या Z टू A के क्रम में शॉर्ट कर सकते हैं। इजिली ये शॉर्ट हो जाएगा। ये देखिए ये दिया हुआ है एक्सपेंड द सेक्शन और फिर नीचे दिया हुआ है कंटिन्यू विद द करेंट सेक्शन। तो हमें करेंट सेक्शन से ही कंटिन्यू करना है, शॉर्ट कर देंगे। देखिए ये बिल्कुल शॉर्ट हो गया, इसी के अकॉर्डिंग पूरा ये डेटा भी शॉर्ट हो गया। इसी तरीके से आप फिल्टर भी लगा सकते हैं इस पूरे डेटा पर। कैसे लगाएंगे फिल्टर, एक तो शॉर्टकट की होता है Alt DFF, जैसे ही आप करते हैं तो ये फिल्टर अप्लाई हो जाता है। अब यहां से आप फिल्टर कर सकते हैं जो भी फिल्टर करना है। तो इस पे सेलेक्ट ऑल से टिक हटा देंगे, हमें चाहिए 4, 5 और 8, तो बस यही आपको दिखेगा। ठीक है, ये सेव हुआ पड़ा है। इसको जब हम ओपन करेंगे तो आप देखेंगे इस तरीके से ये फिल्टर हो जाता है। अगर आप इसको दोबारा से हटाना चाहते हैं तो शॉर्टकट की Alt DFF प्रेस कर सकते हैं, ये दोबारा से फिल्टर जो अप्लाई हुआ था वो हट भी जाता है आसानी के साथ। फिल्टर लगाने के कई सारे फायदे हैं। अगर आप फिल्टर लगाते हैं तो आप जिन भी चीजों को देखना चाहें केवल उन्हीं चीजों को देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमें 6, 5 और 4 ही देखना है, तो आपको केवल वही डेटा नजर आएगा 6, 5 और 4 वाला। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल उसी क्रम में ये डेटा नजर भी आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।